इकोटेक हिंदी का और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वाले वीडियो में महिंद्रा ट्रियो ई रिक्शा का मेंटेनेंस के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। आपके पास ट्रियो प्लस है और आप जरूर चाहोगे आपकी ई रिक्शा हर समय ठीक ठाक रहे और इसका जो मेन बैटरी वो भी लॉन्जिविटी रहे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वारंटी भी कोई भी इशू नहीं आए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए आपकी ट्रियो मेंटेनेंस के बारे में पूरा डिटेल्स जानने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महिंद्रा का ट्रियो थ्री व्हीलर ऑटो ई रिक्शा है जो लिथियम आयन बैटरी और पावरफुल मोटर के साथ चलती है। इसमें जो मेंटेनेंस जो है बहुत ही कम ही है और मेंटेनेंस कॉस्ट एकदम ही नहीं है इस वाले ई रिक्शा में। पहले खरीदने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टाइम में सर्विस करवाना, क्योंकि सिर्फ ई रिक्शा चार्ज करना पड़ता है और चार्ज करने के बाद चलते रहते हैं। इसी वजह से बहुत कस्टमर क्या करते हैं कि भूल जाते हैं सर्विस के बारे में। इसमें दोनों फ्री सर्विस रहता है। जो फास्ट फ्री सर्विस रहता है वो रहता है 2000 किलोमीटर या फिर 2 महीने के अंदर, और इसके बाद जो सेकेंड फ्री सर्विस रहता है वो रहता है कि 10,000 किलोमीटर या फिर 12 महीने के बाद। उसके बाद हर एक 10,000 किलोमीटर या फिर 1 साल के अंदर सर्विस करना पड़ता है जो पे सर्विस के अंदर पड़ता है। यही जो आप सर्विस करना भूल जाए टाइम में तो फिर 3 साल का जो वारंटी रहता है उसमें साफ साफ इफेक्ट पड़ सकता है। वारंटी कैंसिल भी हो सकता है सर्विस नहीं हुए तो टाइम में। उसके बाद सर्विस मेंटेन में आता है कि टायर रोटेशन। टायर रोटेशन मतलब आपके गाड़ी में जो तीनों चक्का रहता है उसको एक दूसरे से बदलना पड़ता है। कौन सी किलोमीटर में बदलना है और कब बदलना है वो आपके गाड़ी में, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो ड्राइवर सीट के ठीक सामने जो डैशबोर्ड के नीचे दाएं तरफ फ्रंट फेसियर में स्टिकर मारा जाता है हर एक गाड़ी में कंपनी के तरफ से। इसमें साफ साफ दिया जाता है जो कौन सी किलोमीटर के बाद कब कौन सी टायर जो है रोटेशन करना पड़ेगा, और ठीक ठाक नीचे जो रहता है कि टायर का प्रेशर और टायर का साइज, ये जो हर एक डिटेल्स टायर का यहाँ पर दिया जाता है। आप लोग टायर रोटेशन के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए जरूर कमेंट कीजिए, मैं अलग से एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। ये तो रही सर्विस मेंटेन के बारे में। इसके बाद आपके गाड़ी में डेली बेसिस में क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए आपको, जिस तरह की आपकी गाड़ी लॉन्जिविटी रहे वो है कि बैटरी मेंटेनेंस। आपके गाड़ी में सबसे कीमती पार्ट जो है वो है बैटरी। इसी वजह से कोई भी ई रिक्शा में बैटरी मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बैटरी मेंटेनेंस में सबसे पहले आ जाता है कि आपके गाड़ी का जो बैटरी कभी भी फुल ड्रेन नहीं करना चाहिए। मतलब आपका जो क्लस्टर मीटर में दिखाता है कि जो DTE और 10 DTE के आसपास जो हो जाए तब आपको गाड़ी को इमीडिएट चार्ज में बैठाना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि आपकी ई रिक्शा 2 दिन के बाद फुल नाइट चार्ज में बैठाना पड़ेगा। मतलब सप्ताह में 2 बार चार्ज हो जाने के बाद भी खुलना मत, पूरा रात होने देना। इससे जो बैटरी में जो सेल अनबैलेंस हो चुके हैं वो फिर से बैलेंस हो जाएगी। और सेकेंड में आ जाता है कि आपके गाड़ी सब समय इको मोड में ही चलाना चाहिए। जो बूस्ट मोड है वो कोई भी हिल पर या फिर ओवरटेकिंग में यूज करना चाहिए। और इसके बाद आपके ई रिक्शा चलने के टाइम ब्रेक पैडल में पैर सब समय मत रखना। इससे बार बार ब्रेक सेंसर अप्लाई होने से आपके जो माइलेज है वहाँ पर इफेक्ट पड़ सकता है। और इसके बाद लास्ट में और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, आपके घर में चार्जिंग होम इंस्टॉलेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। मतलब आप लोग जहाँ पर चार्ज में बैठाते हैं आपके ई रिक्शा को वहाँ पर जो कनेक्शन वो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो चार्ज में इफेक्ट पड़ेगा जो बैटरी को खराब भी कर सकता है। इसी वजह से आप लोग चार्जिंग होम इंस्टॉलेशन को पहले प्रॉपर कीजिए। आप लोग अभी भी चार्जिंग होम इंस्टॉलेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो चार्जिंग होम इंस्टॉलेशन के बारे में डिटेल्स में वीडियो इस वाले चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग जाकर जरूर चेक कीजिए या फिर आई बटन में दिया हुआ लिंक में जाकर जरूर चेक कीजिए। चार्जिंग होम इंस्टॉलेशन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हर एक ट्रियो ई रिक्शा गाड़ी के लिए।
ये जो कुछ मेंटेनेंस जो ध्यान में रखेंगे तो आपके गाड़ी अच्छे रहेगा और बैटरी भी लॉन्जिविटी होगी, कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आएगा आपके डेली यूसेज में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छे लगे है तो लाइक जरूर करना और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।